सुहाना खान और आर्यन खान दोनों बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान के बच्चे हैं और कहते हैं ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चूंकि सुहाना और आर्यन खान के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो शाहरुख खान के बच्चे हैं, तो इसी के साथ इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि ये दोनों अपने पापा की इमेज से हटके इंडस्ट्री में अपनी पहचान कैसे बनाएंगे। आखिर सुहाना और आर्यन में से कौन है जो शाहरुख खान के बाद उनकी गद्दी पर बैठेगा? आखिर कौन है जो अपने पिता की परंपरा और विरासत को आगे लेकर जाएगा और बॉलीवुड का सुपरस्टार कहलाएगा? भाई अब ये हमारे लिए बेहद मुश्किल है बताना कि आखिर शाहरुख की एक्टिंग की विरासत को कौन संभालेगा, सुहाना या फिर आर्यन। लेकिन जनता जरूर बता सकती है कि आखिर इन दोनों में से कौन है जो शाहरुख की लेगेसी को टेक ओवर करेगा। दरअसल अपने चैनल पर हमने एक पोल कंडक्ट किया जिसमें हमने लोगों से पूछा ये सवाल, हु इज गोइंग टू टेक ओवर द थ्रोन ऑफ एसआरके'स एक्टिंग लेगेसी इन हिज फैमिली, यानी शाहरुख के खानदान में कौन संभालेगा उनकी एक्टिंग की विरासत। अब इसके ऑप्शन में हमने सुहाना, आर्यन और इब्राहिम का नाम दिया था। हालांकि अभी बात सिर्फ सुहाना और आर्यन के बीच की है, तो देखते हैं कि इन दोनों को कितने वोट्स मिले हैं और जनता इनके बारे में क्या सोचती है। तो सुहाना खान को अब तक मिले हैं 16% वोट्स और वहीं आर्यन खान को मिले हैं 67% वोट्स, यानी जनता के हिसाब से आर्यन खान है जो शाहरुख की विरासत को आगे लेकर जा सकते हैं। वैसे आपको बताते हैं कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा होती रहती है। लोगों को इंतजार है कि किंग खान के बेटे आर्यन भी एक्टिंग में जल्दी अपना कदम रखें। हालांकि शाहरुख कई बार कह चुके हैं कि आर्यन फिल्मों में एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं। शाहरुख खान कई बार बता चुके हैं कि आर्यन एक्टिंग में नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है। वो इस समय अमेरिका में फिल्म मेकिंग की ही पढ़ाई कर रहे हैं और शाहरुख ने ये भी कहा कि आर्यन ने उनसे कहा था कि वो एक्टिंग नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी तुलना हमेशा उनके पिता से होगी, अगर वो अच्छा करेंगे तो लोग कहेंगे अरे वो तो शाहरुख का बेटा है, ये तो उनके जीन्स में है, और अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो कहा जाएगा कि देखो उसके पिता ने क्या किया और वो क्या कर रहा है। ऐसा आपको बता दें कि आर्यन खान अपने डैड के साथ द लायन किंग की डबिंग जरूर कर चुके हैं। वहीं बात करें सुहाना की, तो सुहाना लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। हालांकि इस समय वो मुंबई में हैं, लेकिन सुहाना बॉलीवुड में ग्रैंड डेब्यू करना चाहती हैं और उसके लिए वो अपने पापा शाहरुख से एक्टिंग की टिप्स भी लेती रहती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सुहाना शॉर्ट फिल्म द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू के पोस्टर में नजर आई थी। आपको बता दें कि सुहाना अपने कॉलेज की शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में अपनी एक्टिंग का स्किल आजमा चुकी हैं, लेकिन अब बस उन्हें बॉलीवुड की बिग स्क्रीन पर देखना बाकी है। खैर बेशक आर्यन फिल्म मेकिंग करें या सुहाना एक्टिंग, दोनों अपने अपने दम पर कुछ करने की ठान रहे हैं और भले ही सुहाना आर्यन की राहें अलग अलग हो, लेकिन मंजिल तो एक ही है और वो है इंडस्ट्री में नाम बनाना और अपने पापा की लेगेसी को आगे ले जाना। अब देखते हैं कि जब फाइनली आर्यन और सुहाना बॉलीवुड रेडी होते हैं तो कौन आगे जाकर अपने पापा की गद्दी संभालता है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।